दिस इज ऑल इंडिया रेडियो। शुक्रिया मैम, धन्यवाद, आप सबको मुबारक हो। आज का दिन वेटरन्स के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। हम इसको सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारे पहले इंडियन कमांडर बने थे, इंडियन आर्मी के जो बने थे फील्ड मार्शल करियप्पा जी, और उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है, उनके चीफ बनने से पहले भी और उसके बाद भी। बिल्कुल, उन्होंने ही इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग शुरू किया था 1964 में रिटायरमेंट के बाद। उनके योगदान को रिकॉग्नाइज करने के लिए आज का दिन उनके नाम पे सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन वेटरन्स के लिए। जी बिल्कुल संजय जी, क्योंकि सेना सर्वोपरि है, सेना हमारा गौरव है, और कोई भी दिन जो कि सैनिकों को समर्पित होता है वो निश्चित तौर पर पूरे राष्ट्र के लिए वो ऊर्जावान दिन होता है। तो आज का दिन भी बेहद खास, और बहुत सारे कार्यक्रम होंगे सर आज के दिन। अरे धन्यवाद मैम, शुक्रिया आपका इतने अच्छे विचार रखने के लिए वेटरन्स के लिए। वेटरन्स का योगदान भी इस देश में महत्वपूर्ण रहा है शुरू से अभी तक, जो सर्विस के दौरान भी और सर्विस के बाद भी। अगर हम चारों तरफ देखें तो जो क्वालिटीज वेटरन्स लेके आते हैं समाज में, वही अपने आप में एक बड़ा योगदान है। उसके बाद आप किसी भी फील्ड में देखिए, आप वेटरन्स मिलेंगे अच्छा योगदान करते हुए। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है संजय जी कि चूंकि हम तो आपसे बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है, बहुत ही गर्व की अनुभूति हमें हो रही है, क्योंकि सेना का सैनिक चाहे वो पूर्व का हो या वर्तमान का, वो वीर है, वो जाबाज है, उसकी रग रग में राष्ट्रभक्ति होती है। और यकीन मानिए आपसे बात करने के बाद हमारे भी जो रग रग है उसमें जोश जुनून की स्फूर्ति महसूस हो रही है हमको। अरे धन्यवाद मैम, ये तो हमारे जो आजकल के बच्चे हैं उनको सीखने वाली बात है, क्योंकि हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके अंदर काफी गैप्स आ गए हैं एंड वो गैप्स बढ़ते जा रहे हैं पिछले कुछ सालों से। थैंकफुली भी नई एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है वो जैसे जैसे लागू होगी उस गैप को कवर किया जाएगा, और देश के प्रति समर्पण और जो राष्ट्रवाद की भावना है वो थोड़ी स्ट्रांग बनेगी इसके बाद। जी उम्मीद है, निश्चित निश्चित ही हमारे संकल्प को सिद्धि शक्ति मिलेगी। बहुत बहुत आभार आपका ब्रिगेडियर संजय सांगवान जी जुड़ने के लिए और अपने ये विचार हम तक और हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार सर। एक बार फिर से आपको पूर्व सैनिक दिवस की और पूरे देश की तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम, थैंक यू, शुक्रिया।